इतना प्यारा उत्तराखंड, हिमालय राज्य, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ पूरा पहाड़ी क्षेत्र, थोड़ा बहुत प्लेन्स, बहुत ही खूबसूरत है मेरा ये राज्य। उत्तर में हिमालय अपनी छटा बिखेर रहा है। कई तरीके से आज उत्तराखंड एक विकसित राज्य बन चुका है। साक्षरता दर यहाँ काफ़ी अच्छी है, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ा जो मुश्किल इस वक्त इस राज्य को लग रही है, वो लग रहा है यहाँ से पलायन होता जा रहा है हमारे पहाड़ों से। हमारे पहाड़ जो इतने खूबसूरत हैं, जो इतने प्यारे हैं, देखते ही मन नहीं भरता, ऐसा है हमारा उत्तराखंड। नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, चारों धाम, इनको देखने के लिए दुनिया दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन आज हमें ज़रूरत है यहाँ के पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने की। कई तरीके की आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड ने कभी हार नहीं मानी और न कभी हार मानेगा। यहाँ के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि यहाँ जो भी पलायन हो रहा है उसे रोकने की, और इस पलायन को रोकने में सबसे कारगर सिद्ध हो रहा है होम स्टे योजना। हम लोग जो अपने कच्चे मकानों को पहाड़ों में देखकर सोचते थे काश ये मकान कभी पक्का होगा, आज उन्हीं कच्चे मकानों में होम स्टे योजना पनप रही है। इस योजना ने हमारे ग्रामीणों को कमाने का मौका दिया है। आप जैसे इन फोटोज़ में देख रहे हैं, ये सब होम स्टे योजना का ही एक हिस्सा है। होम स्टे योजना अगर आप शुरू करना चाहते हैं, हमारे राज्य में जिला पर्यटन उद्योग ने इसको बढ़ावा दिया है, वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं और इसको शुरू कर सकते हैं। किसी नौकरी से अच्छा अगर अपना स्वरोजगार हो, अपना घर में पैसे आए, तो बहुत ही अच्छा है। स्वरोजगार को करने के लिए होम स्टे योजना बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो बेरोजगार हैं या जो व्यवसाय करना चाहते हैं, वो होम स्टे योजना को ज़रूर अपनाएं। सरकार ने इसमें कई तरीके की सब्सिडी भी रखी है, जिनसे हम बहुत सा लाभ कमा सकते हैं। तो जान लो, हमें अपने पहाड़ों में जो खाली पड़े घर हैं उनको होम स्टे योजना में लाना है और स्वरोजगार को स्थापित करना है। जय भारत, जय उत्तराखंड।